हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिस बिजनेस आइडिया को शुरू करके आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और ये बिल्कुल ही यूनिक तरह का बिजनेस आइडिया है और बहुत ही कम लोग इस बिजनेस आइडिया को कर रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस आइडिया को शुरू कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और इस बिजनेस आइडिया में आपको अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं लगता तो भी आपको पता चल जाएगा कि जो बिजनेस आइडिया मैं बताने वाला हूँ ये काम असली में कैसे किया जाता है और क्या इन लोगों का प्रॉफिट रहता है जो इस बिजनेस को करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी डब्बे वगैरह होते हैं, किसी भी चीज़ के डब्बे होते हैं, उनके जो गत्ता होता है उसके ऊपर लैमिनेशन की होती है, पेपर के ऊपर लैमिनेशन की होती है किसी भी चीज़ के बॉक्सेस के ऊपर, और उस लैमिनेशन का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। उस लैमिनेशन के बिज़नेस में काफ़ी अच्छा पैसा है और काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि लैमिनेशन करने में 10x10 के जो पूरा शीट होती है उसको, उसके 1000 पीसेस को लैमिनेट करने में हमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, और उसमें जो खर्चा हमें आता है 100 रुपये आता है, और ईज़िली अगर आप 50 पैसे पीस भी उसे बेच देते हैं तो 500 रुपया आप 10 मिनट में कमा लेते हैं। और अगर आप कंपटीशन से कम्पीट करना चाहते हैं तो अगर आप 250-300 रुपये में भी उसे बेचते हैं, मिनिमम हम 250 लगा लेते हैं, अगर आप 250 रुपये में भी 1000 शीट्स को, 10x10 की शीट्स को 10 मिनट में कर लेते हैं, मशीन की ये कैपेसिटी होती है कि 10x10 की 1000 शीट्स को वो 10 मिनट में निकाल देते हैं, मतलब आपका 250 रुपया प्रॉफिट रहता है 10 मिनट के अंदर अंदर, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आप इधर से खुद ही लगा सकते हैं कि आप 1500 रुपये तक एक घंटे के अंदर कमा सकते हैं। तो आपको 100 रुपया पड़ रहा है, 250 रुपया प्रॉफिट रखते हैं, 350 रुपये में अगर आप उसे बेच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपका प्रॉफिट रहेगा, और दिन में अगर आपने 8 घंटे भी मशीन को चला दे तो आपको पता चलता ही है कि कितना प्रॉफिट इस बिज़नेस में है। अब इस बिज़नेस में ये है कि आपको कौन कौन आपके कस्टमर हो सकते हैं, लोकल स्वीट शॉप वाले आपके कस्टमर हो सकते हैं इस बिज़नेस में, लोकल स्वीट शॉप्स वगैरह, जो लोकल फैक्ट्रीज़ हैं जो प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, लोकल फैक्ट्रीज़ वगैरह, उन सबको आप अपना कस्टमर बना सकते हैं, और काफ़ी अच्छा इस बिज़नेस में प्रॉफिट रहता है। अगर आप इंडस्ट्रीज वालों के साथ कांटेक्ट करते हैं, अगर आप मान लीजिए, कहा जाता है बिज़नेस में कि अगर आपके पास 2 ही कस्टमर हैं पर वो दोनों कस्टमर बड़े हैं तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर छोटे आपके पास 10 कस्टमर हैं और बड़े 2 कस्टमर हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मैनेज करने में तो उतनी मेहनत लगती है एक कस्टमर को, पर अगर आपके पास बड़े कस्टमर हैं, कुछ बड़े ऑर्डर देते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो बड़े कस्टमर देखिए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह को कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको बताइए कि आप इतना देखिए कि आपको प्रॉफिटेबल रहना चाहिए, कम से कम प्रॉफिट में भी काम कीजिए जहाँ पे आपको बड़े से बड़ा ऑर्डर मिल पाए। अगर आपको बड़े से बड़ा ऑर्डर मिल जाता है कम से कम प्राइस में तो आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे रह सकते हैं, और बिज़नेस में ये रहता है कि आपको रेगुलर काम मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वालों से बात कीजिए, कुछ मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज़ वालों से बात कीजिए, आपकी सिटी में जो लोकल प्रोडक्ट्स वगैरह पैक किए जाते हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, उनसे बात कीजिए कि हम आपके लिए करेंगे, हमको ये प्राइस है हमारा, मतलब कि बाकी वालों से सस्ता देने की कोशिश कीजिए। और बहुत अगर आपकी ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, कुछ मेट्रो सिटी नहीं है और नॉर्मल लेवल की सिटी है, तो वहाँ पे तो ऐसी कुछ होगा ही नहीं, जो लैमिनेशन करके आते होंगे बॉक्सेस की वो बाहर से ही करवा के लाते होंगे, उनको बाहर से लगाना पड़ता होगा और वो उनको महंगा पड़ता होगा। अगर आप अपनी ही स्टेट में, अपनी ही छोटी सी सिटी में इस चीज़ को शुरू कर लेते हो तो आगे पीछे की सिटीज़ में भी आप अपने इस बिज़नेस को फैला पाएंगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये तो होगी प्रॉफिट की बात, सेलिंग की हमने आपको समझा दी, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है इसमें, और दिन में 8-10 घंटे बिज़नेस करके आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यही था ये बिज़नेस आइडिया, कैसा लगा आपको हमें लाइक करके जरूर बताइए, और ऐसी वीडियोस को देखने हमें सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं कल फिर से ऐसी एक और वीडियो में, तब तक ले यार गुड बाय।